नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय निषाद ने भरा पर्चा और कहा कि विकास का युग शुरू होने वाला है। इस सीट पर पिछले जितने भी लोग काबिज हुए उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ जनता को धोखा दिया है। विकास का आरंभ होगा जिससे आजमगढ़ का सबसे बैकवर्ड इलाके के लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आपके पास संख्या बल नहीं है, आप चुनाव कैसे जीतेंगे, इसके बारे में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास 60 प्लस की संख्या है, हम पूरी तरीके से चुनाव जीतेंगे और लोगों की सेवा भी करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में चुनाव के समय जितने भी जिला पंचायत सदस्य होते थे सबके अंदर एक डर भय का माहौल बना रहता था, मगर योगी जी के सरकार में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ। सब लोग आज़ाद होकर अपने अपने घरों में रह रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो गरीबों तक मदद नहीं पहुंच रहे उसको हमें पहचाना है। जिस गांव में रोड नहीं है हमें रोड बनवानी है, जिस गांव में नाली नहीं है नाली बनवानी है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी और जो हमारे PM जी का सबसे बड़ा सपना है वो हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा के पास संख्या बल नहीं है, कैसे संख्या बल जुटाएं जुटा जीतने के लिए? संख्या बल हमारे पास 60 प्लस है जी, जिसका पूरा भरोसा आपको है? एकदम कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ सत्ता आपके साथ है, इस नाते समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि आप सत्ता के आप एक बात जान लीजिए, जब समाजवादी सरकार होती है तो यहाँ पे एक भी सदस्य खुल के नहीं घूमता है। आज आप जाके पता कर लीजिए 84 सदस्य आपको इसी जिले में मिलेंगे। लेकिन आज आप जो हजारों की भीड़ लेके आए, जुलूस पे प्रतिबंध था, इसके बाद भी आप नहीं जो समर्थक है जो अपने अच्छा से आना चाहता है उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन जुलूस को प्रतिबंध लगा हुआ था उसके बाद भी आप आए? हम किसी को रोक नहीं सकते ना, आपकी इच्छा तो आपको हम कैसे रोक सकते हैं? चलिए ठीक, बहुत बहुत